सत श्री अकाल जी, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। मैं जीत सिंह TSS से आपके साथ बात कर रहे हैं। आज हमारे पास जो स्टूडेंट हैं वो रमेश जी हैं। रमेश जी कहाँ से आए हो? पटना बिहार से। तो रमेश जी बिहार के पटना शहर से हमारे पास आए थे क्रेन सीखने के लिए करीब एक महीना पहले। आज इनका अच्छा ट्रेनिंग भी हुआ है, बात भी करेंगे उनसे कि कैसे कैसे ट्रेनिंग हुआ, कोई दिक्कत परेशानी के बारे में पूछेंगे। तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। हालांकि बहुत से स्टूडेंट्स की जॉब प्लेसमेंट भी TSS करवा देता है, हमारे स्कूल की तरफ से ही हो जाती है। और रमेश जी नमस्ते, तो कहाँ से आए हो आप? पटना से बिहार से आए हो। तो आप मेरे को ये बताओ कि आने में ट्रेनिंग में कोई दिक्कत परेशानी या कुछ नहीं? और इधर को मुंह करो ताकि हमारे जो ट्रेनिंग वाले व्यूअर्स हैं वो भी आपको अच्छे तरीके से माध्यम से देख लें। अच्छा जी, खाने में, रहने में, सोने में कोई दिक्कत परेशानी हो? नहीं, सब ठीक है। अच्छा जी, मैं चाहता हूँ आने वाले स्टूडेंट्स को पहले आप अपने तरफ से एक मैसेज दे दो कि कैसे कैसे आए, क्या कैसे कैसे सर्च करें, कैसे हमारे पास पहुँचना, कैसे यूट्यूब पर सर्च मारिएगा तो पहले फर्स्ट में दिखाएगा TSS हाईवे ट्रेनिंग स्कूल। अच्छा, उसमें आप कॉन्टैक्ट नंबर आएगा। अच्छा, उसमें आप कॉन्टैक्ट नंबर निकाल कर कॉल कीजिए, 24 आवर्स यहाँ कॉल अटेंड करने वाला रहते हैं। जी, आपको स्टेशन से रिसीव किया था या डायरेक्ट? हमारे रूम का 2-4 बंदा है, उसको भी रिसीव किया गया, हम तो यहाँ तक आ गए थे। हम इनके रूम के और भी 2-4 बंदे बिहार से आए हुए हैं। बिहार से। बिल्कुल, ये बताइए कि उस्ताद ने ऑपरेटर, तो मैंने देखा कि आप ऑपरेटिंग भी कर रहे हो, लोड को भी उठा रहे हो, ड्राइविंग भी कर रहे हो। अच्छा, इसके अलावा आपको रीकर का काम भी बताया, सिग्नल भी बताया गया जी? हाँ, सिग्नल के बारे में बताया गया। इसके अलावा आपको विंच के बारे में या स्विंग के मोटर के बारे में बताया गया, कुछ कैसे कैसे बताया उस्ताद ने? उसके ऊपर ये स्विंग मोटर काम करता है, काम करता है। ठीक है, ठीक है। और लोड चार्ट के बारे में बता रहे हैं? मिला है, बताया भी गया। आपको पता भी चला लोड चार्ट के बारे में? हाँ। ठीक है, तो देखिए आप बिंदास होकर आइए हमारे पास सीखने के लिए। उसमें आपको लोड चार्ट के बारे में और स्विंग मोटर के बारे में पूरे का पूरा बताया जाता है। जरूरी नहीं कि खाली ऑपरेटर ही करवाते हैं, इसके अलावा चूरी भी करवाई जाती है हमारे पास। अच्छा, अभी जॉब कहाँ पे लगा है आपका? रायपुर छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में रमेश जी का जॉब लग गया है और ये यहाँ से सीधे डायरेक्ट जॉब के ऊपर ही जाएंगे। तो आप TSS को जाने वाले स्टूडेंट्स को कोई मैसेज देना चाहते हो? यहाँ पर आप आइए। हाँ, और कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर सब बढ़िया है। अच्छा, सब चीज़ की व्यवस्था है। अच्छा, इस बगैर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, और हम तो TSS के आभारी हैं। अच्छा जी, तो देखिए जी, आप जैसे रमेश की ज़िंदगी बन रहा है, मैं सभी दोस्तों का बोलूँगा कि आप आओ, बेफिक्र होकर आइए, अच्छे तरीके से आपको जॉब में ट्रेन भी करेंगे, जॉब के लिए प्लेसमेंट में भी हेल्प करेंगे। तो अभी अगर रमेश जी आभारी है TSS के, तो मैं समझता हूँ कि आप भी एक दिन स्कूल के आभारी होंगे जब हमारे पास सीखने के लिए आओगे। सिखाने की बेफिक्र होकर हम जिम्मेवारी देते हैं, हमारा खुद जिम्मेवारी है। बिंदास होकर आइए, JCB ट्राला, मोबाइल क्रेन, फोर्कलिफ्ट, वेल्डिंग, 10 तरह के कोर्स हैं हमारे पास। तो हालांकि आजकल गर्मी का मौसम है, लेकिन फिर भी हमारे पास रहने के लिए अच्छी फैसिलिटी है। खाने में भी अच्छा, खाने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं? खाने में तो बिल्कुल दिक्कत नहीं है, सब प्रोटीन का चीज उसमें मिलता है। वेरी गुड, तो आपको चावल, रोटी, सब्जी सब मिलता है सर जी? ठीक, ऐसा तो नहीं कि चावल नहीं मिलता? चावल भी मिलता है सर, चावल, रोटी, सब्जी सब कुछ मिलता है और टाइम टू टाइम मिलता है, और चाय वगैरह भी अच्छा मिलता है। मेरे कहने की जरूरत नहीं, आप खुद भी देख सकते हो, हमने बहुत सी वीडियो नेट के ऊपर डाला हुआ है। तो मेरी तरफ से रमेश जी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, आप जॉब के ऊपर जाइए, हमारे साथ TSS में टच में रहो। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और आने वाली वीडियो में किसी नए स्टूडेंट्स को आपके साथ फिर मिलवाएंगे जिनका जॉब प्लेसमेंट होता है। इसके साथ दो चीज़ हमको फ़ायदा होता है, एक तो ये कि TSS की पब्लिसिटी भी होती है, दूसरा ये है कि आने वाले स्टूडेंट्स को एक नया, उनको मार्गदर्शन मिलता है, उनको एक हौसला मिलता है, उत्साहित होकर हमारे पास आते हैं कि हमारा भी एक दिन को ज़िंदगी बन जाए। आज की वीडियो में यहाँ पे मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। आने वाली वीडियो में
किसी नए टॉपिक के साथ आपके साथ फिर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए सत श्री अकाल जी, नमस्ते, सलाम अलैकुम जी।